नेहा कुमार ने कुछ कहा, रविंद्र बाबू ने कुछ कहा, रंजन सिन्हा ने कुछ कहा, एंथनी ने कुछ कहा, मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं। बुबाग्रा अपना पिपरासा के लिए लास्ट मोमेंट तक कभी भी गिव अप नहीं करेगा, फाइट करते रहेगा, क्योंकि आज एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट साइन हुआ है काम देखना है, इलेक्शन के बाद 6 महीना काम देखना है, और आस्ते 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 करके पिपरासा को शक्ति बनाना है, पिपरासा को अधिकार देना है। यहां में मीडिया है, 2-3 मीडिया बोलेंगे अरे महाराजा ने तो कुछ बोला है जिसमें नॉन ट्राइबल विरोधी है, कम्युनल है। कहां में एक शब्द है जिसमें मैंने नॉन ट्राइबल के खिलाफ एक शब्द बोला हो? मैंने बोला अपना घर को उठाओ, अपना कामी को उठाओ, अपना बच्चा को शिक्षा दो, अपने घर में अपने माँ बाप को विधि दो। किसी का घर को जलाने के बारे बात नहीं किया है, किसी का अधिकार को काटने के बारे बात नहीं किया है, अपना अधिकार को उठाने के बारे बात किया है। फर्क है जो महाराजा बोलता है और जो कोई और बोलता है, उसमें फर्क है। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने पुरोहित अपने पूर्वज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने जाति का अधिकार के बारे में बात कर रहा हूं, मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तिप्रा माधा, मैं बीजेपी वो लाल सलाम सीपीएम, मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। किसी और कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, मणिपुरी हो, बुकुमारा हो, बंगाली हो, हम आपका बारे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को उठाने के बारे बात कर रहे हैं। किसी का घर जलाने से, किसी को लात मारने से क्या आपका घर बन जाएगा? मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के बच्चे को थप्पड़ मारने से आपका बच्चा पास हो जाता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी को गाली देने से, किसी को आप कुछ बोलने से आप उठ जाते हो, कभी नहीं उठते। दिल्ली में जब मैं गया, मैंने निंदा किसी और का नहीं किया, मैंने दिल्ली को 75 साल का नाइंसाफी जो हुआ है, दो अत्याचार हुआ है, उसके बारे बात किया। यहां में बहुत लोग हैं जिसको मैं जानता नहीं हूं, आई डोंट नो यू, आपको मैं जानता नहीं हूं, बहुत लोग हैं क्राउड में, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपका बेइज्जती समझ सकता हूं, मैं आपका ये जो हमारा कम्युनिटी को जो नीचे डिसरिस्पेक्ट करके किया, मैं वो आपका आंख में आंसू है वो मैं देख सकता हूं, आपका आंख देख सकता हूं, और इसके लिए मुझे भी लगता है क्या राजा क्या महाराजा क्या कुमाग्रा जो अपना जाति के लिए बात नहीं करे। दिल्ली में मैं गया, हटाई कदर में अनशन किया, दिल्ली को भी समझना था, समझ गया कि हम लोग चिकन पार्टी चिकन जाति, लेकिन दिल 56 इंच का नहीं है, लेकिन 55 इंच का सीना तो है। और त्रिपुरा, अभी आपने बात किया लद्दाख का, हम लद्दाख के साथ है, मैं लद्दाख के साथ हूं, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं लद्दाख को देखो, त्रिपुरा को देखो, त्रिपुरा 1000 साल से महाराजा के अंदर, मां त्रिपुरा सुंदरी के अंदर हमारा जाति हमारा भूमि था, लद्दाख 200 साल पहले आया है।
फर्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना है कि यहां में हम लोग हानी मुसा अपना अधिकार के बारे में बात कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह भी समझना था कि महारानी कंचन प्रभा देवी ने साइन करके त्रिपुरा इंडिया का संग एक किया हमने, लद्दाख में वो नहीं हुआ था। कोई बोलता है यहां में, अरे महाराजा तो अब तिपरासा के बारे बात नहीं करेगा, कौन बोलता है ये बात? हिम्मत है तो अगरतला से प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, सामने आके बोलो तुम्हारा 5 फुट 10 इंच को 2 फुट 5 इंच में हम कर देगा। चैलेंज करना है तो चैलेंज मुद्दे में करो। आज तक मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि त्रिपुरा में आपने ये लाल पार्टी के साथ अलायंस करके हमारा भविष्य को बेचा। यही लाल पार्टी ने हमको गरीब रखा और पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया। मानिक सरकार तो गरीब मुख्यमंत्री, मानिक सरकार तो अनेक गरीब। आज यहां में हम लोग का घुमा है, आप लोग का बच्चा जब पढ़ने जाता है ना अगरतला में, शिलोंग में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो क्या बोलते हैं दूसरा नागालैंड का लड़का लोग, लड़की लोग क्या बोलता है? मिजोरम का लड़का लड़की लोग हमारा सिकला सिकली को क्या बोलता है? तुम लोग तो गरीब है, तुम लोग तो किसने ही गरीबी रखा? आज जिस लोगों ने सीपीएम को वोट किया 25 साल तक, आप अपना मां बाप से सवाल पूछो सीपीएम को वोट देकर क्या मिला? वहां में नागालैंड का बच्चा होटल मैनेजमेंट कर रहा है, वहां में मिजोरम का बच्चा कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कहीं में अरुणाचल का लड़का इंजीनियर है, और त्रिपुरा में हम लोग बर्मा बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, होटल में बर्तन मांज रहा है। गरीब किसने हमको रखा? ये सवाल आप पूछो अपने मां बाप से। ये लाल झंडा ने आपको गरीब रखा। थानसा क्या है? ए थानसा की, ए की थानसा, ये बोलते रहता है लोग। क्यों दिन किच्चू होवे ना, क्या बोला मिश्रा हस में ना, एक मिश्रा हस में ना, इंडियन लोकी ने क्या अच्छे हस में ना, बुवागरा हाथे को तेरे किच्चू कर तो पार में ना। आज आपने खुद देखा अमित शाह ने क्या बोला। हमने बोला था बिना राइटिंग का कोई अलायंस नहीं होगा। आज राइटिंग में एक कागज मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। बुवागरा ने क्या बोला कि मैं आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा अपना बुकुंबारा के साथ, लेकिन जिसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया उसको तो पॉलिटिक्स सिखाना पड़ेगा। जिसने बुवागरा को और अपना गरीब तिपरासा को आंसू दिलाया उसके आंख में तो आंसू दिलाना पड़ेगा। आज दिलाए, और पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। कोई पार्टी, जब मैं कांग्रेस में था एनआरसी का बात आया, हमको बोला आप रिजाइन करो वरना पार्टी में रहो, 2 मिनट में रिजाइन किया। आज हमको बोल रहा है ये क्या जोट है। अरे मैं तो आज भी
मेरा थोड़ा दिल में है कांग्रेस, आज भी है, आज भी मैंने राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आप मुझे एक जवाब दो, केरला में राहुल गांधी किसके खिलाफ लड़ रहा है? किसके खिलाफ? ये पार्टी के खिलाफ। कौन है? तो आज यहां में इस त्रिपुरा में हम लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? सवाल दो ना, जवाब तो हमने आपको बोल दिया। तो क्या वहां में दुश्मन, यहां में भाई? वहां में सीपीएम नहीं चलेगा, यहां में भाई भाई। 2008 में आईएमपीटी के साथ मुबागरा कैंपेन किया, रविंद्र बाबू था, मेवाड़ भी आईएमपीटी था। 2013 में मैं आईएमपीटी कांग्रेस के साथ हमने कैंपेन किया, कितना अटैक किया हमारे ऊपर। 2011-12 में क्या हुआ, उस समय बोलता था ये आईएमपीटी उग्रपंथी है, कांग्रेस उग्रपंथी के साथ है, ये सीपीएम का भाषा था। मैंने कैंपेन किया, हमको लगा हम लाख ज्यादा वोट मिला इस त्रिपुरा पूर्वांचल से, 1 लाख वोट ज्यादा मिला। 2024 में क्या कर रहा है? 1 लाख वोट ज्यादा मिला, लेकिन आपने फिर से सीपीएम को दे दिया। तो ये बात पूरा पक्का है कि यहां में 25 साल तक आपने नाटक किया, आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में था, आपने त्रिपुरा को बलिदान किया, मानिक सरकार के हाथ में दे दिया। आज पूरा इंडिया में उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरा इंडिया में कांग्रेस नहीं जीत रहा। तो आज आपका बुबागरा किससे बात करे? हमको तो सेंटर से बात करना होगा, हमको अपना अधिकार चाहिए, हम उनसे बात करेंगे जो हमको हेल्प करेगा, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो हमको बेच देता है, और ये लोगों ने हमें बेचा है। यही सीपीएम 84 में टीटीएटीसी हुआ, यही सीपीएम ने बोला श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया, द्रव कुमार रियांग, उन्हीं तो इंदिरा गांधी दिया टाका नहीं है, यही सीपीएम इंदिरा गांधी दिया टाका नहीं है, ट्राइबल शेष कर दिए सर, यही बोल। 88 में विजय कुमार रामखोल, जो आज त्रिपुरा माथा का प्रेसिडेंट है, उसने राजीव गांधी के साथ अग्रीमेंट साइन किया, तब यही सीपीएम रामे झंडा, विजय रामखोल, राजीव गांधी दिए टाका नहीं है, ट्राइबल बेची दिए से खत्म। 3 सीट मिला उस टाइम आपको, एडीसी मिला। आज जब बुबागरा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया, तो आज फिर से ये सीपीएम बोल रहा है किच्छू पावा जावे ना, किच्छू पावा जावे ना। अरे तुम 25 साल पावर में था, सेंटर में 10 साल यूपीए था, आपने क्यों कुछ नहीं किया? आज आप लोग बोल रहा है रोमन स्क्रिप्ट रक्त होवे, रोमन स्क्रिप्ट रक्त होवे। आप लोग 25 साल पावर में था, 10 साल दिल्ली में था, क्यों नहीं पास किया? आप हमको बुकुंबारा को बेवकूफ बनाकर हमारा वोट चाहते हो। आपका बाजूबान रियांग एमपी था और कंचनपुर में हमारा ग्रुप को इतना खराब कंडीशन में रखा गया,
इतना खराब कंडीशन में रखा गया, उस समय पार्लियामेंट में आपका आवाज नहीं निकला। जितेंद्र चौधरी 2014 से 2019 तक एमपी था, हम लोग का रिया 1998 से 2018 तक हम लोगों का ब्रू, एक आवाज नहीं निकला। आज पावर में नहीं है, आवाज आ गया। जब पावर में था तब कुछ नहीं किया। हम तिपरा सा लोग बेवकूफ है। जब कंचनपुर में प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले बुबाग्रा गया, बुबाग्रा फाइट किया। जब हम लोगों का खाना को रोका गया, हम लोगों का ब्रू का, बुबाग्रा अगरतला से खाना लेकर आया, तेलियापुरा से कोई लेके आया, कोई खुआई से लेके आया, चकमा ने लेके आया, हमारा हराम है जयचुम हराम कम्युनिटी लेके आया, चकमा लेके आया, जमातिया लेके आया, मणिपुरी लेकर, पूरा त्रिपुरा इपरासा लोग लेकर आया हेल्प करने के लिए। उस समय कहां था आपका प्यार, उस समय कहां था आपका हमदर्दी। जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, सबसे पहले मैं गया उसके घर में, मैंने बात किया। मैं जानता हूं जब मां ने अपना हो नागरिक सुरक्षा मंच से बोला, माथा काटेगा महाराजा का कंचनपुर में, ये मुंडी अभी भी खड़ा है, क्या कर सका तुम लोग। लेकिन ये लोग जिसने आज रियान के बारे में बोल रहे हमदर्दी है, आपसे आंसू आ रहा है, कहां था आप लोग, कहां था। आज अपना तिपरासा को एक बात बोलने जा रहा हूं, I love my Tiprasa people. But many Tiprasa love money more than Tiprasa people. Many people, many Tiprasa, they love post than the people. I don't care. I was born a Bubagra. I will die a Bubagra. And I shall fight for my community. यहां में I don't look at you as Hindu, as Christian, as Muslims, as Buddhist. I look at you as Bukumbara, as Tiprasa. Jojo, आप लोग बोलता है नारबुम हलम चलेंगे नारबुम। आप एक बार एंथनी के साथ अगरतला चला जाओ, कोई आपको हालम नहीं बोलेगा, कोई एंथनी को देवर्मा नहीं बोलेगा, मेवार को जमतिया नहीं बोलेगा, सब आपको जनजाति बोलेगा। तो यहां में हम लोग क्यों हालम जमतिया देवर्मा त्रिपुरा बन के फाइट कर रहा है। वंशुद्धि सोचो, थानसा थानसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा कुछ नहीं। ठीक कक्षा का हम लोगों का अकॉर्ड में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तिपरासा का क्या है। मैं अगरतला से आ रहा था, रास्ता बड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, लेकिन जब रास्ता बड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो आपको नेशनल हाईवे एक रुपया नहीं देगा। क्यों? जमीन आपका नाम में नहीं है, पट्टा आपका नाम में नहीं है। कल फॉरेस्ट में कुछ करना हो आपको हटाया जाएगा, पट्टा नहीं है आपके नाम। आज मोबाइल फोन है, मेरा मोबाइल दो। ये बोलेगा नहीं क्या प्रमाण है, तो आप दिखाएगा इसमें मेरा कागज है, मैंने किस दुकान से खरीदा, रिसीप्ट है, ठीक है। अगर रंजन आपका कल कोई गाड़ी उठा लेता है या स्कूटर उठा लेता है, तो आप जाके पकड़ेगा आदमी को, बोलेगा ये मेरा स्कूटर है, तो वो बोलेगा कैसा है, क्या प्रमाण है, आप बोलेगा ये है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, स्कूटर का रजिस्ट्रेशन।
अगर आप तीसरा शकल घर से आप लोग इसको बाहर निकाल दो ना, कोई प्रमाण नहीं। 100 साल से उस घर में रह रहा है, 100 साल से उस घर में रह रहा है, लेकिन आज एक ऑर्डर से आपको घर से भूमिहीन कर सकता है और आपके पास कोई प्रमाण नहीं कि ये जमीन आपका है। इसके लिए पट्टा देने का काम मुकदमा करने का कोशिश कर रहा है और ये पट्टा सिर्फ अपना बुरा का नाम में नहीं होगा या लड़का का नाम में नहीं होगा। ये पट्टा को 50% अपना बुरे के नाम में, बुमा के नाम में और 50% आदमी के नाम में। मैंने देखा एक चीज, एक दिन आप लोगों को लास्ट लाइन में बैठना पड़ेगा, औरत को हम सामने लाके बैठाएगा, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा करते हैं, लेकिन मां के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारा वॉरियर्स को मैं बोलना चाहता हूं, नशा करने से क्या मिलेगा, नशा करने से क्या मिलेगा। अपने आप को पावरफुल बनाओ, डिसिप्लिन लाओ, पिल्स खाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको किसी से फाइट नहीं करना है। आप जब तक किसी से फाइट करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने अंदर अपने आप को उठाओ, जागृत करो। आपका दुश्मन कोई नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई मणिपुरी क्रिश्चियन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आपका सोच है, इसको बदलो। आज मैंने अग्रीमेंट किया है, हटाई कटर के बाद अग्रीमेंट किया है, एक घर नहीं जलाया किसी का, एक बंदूक नहीं उठाया, एक गोली किसी को नहीं मारा। हमने किया अपने आप को, अपना कमी को देखकर अपने आप को इंप्रूव करने का कोशिश। योर फाइट इज फॉर योर सेल्फ, नॉट अगेंस्ट एनीवन। मैं यही बात अपने दिल्ली में दोस्त को बोलते रहता हूं, अरे पाकिस्तान के बारे सोचना बंद करो, पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है, इंडिया को उठाओ। इंडिया में आपका कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, आपका मोहम्मद शमी भी है, और एक दिन नॉर्थ ईस्ट का भी कोई हो सकता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, बाहर का आदमी को मत देखो। इससे राजनीति नहीं होगा, ये राजनीति ने कुछ नहीं दिया है, ये राजनीति से कुछ नहीं होगा। रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा ने अगर मिशन कंपाउंड में चर्च को जगह दिया तो बुद्ध मंदिर भी महाराजा बी विक्रम ने बनाया। आज मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा हम सब करते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि शुजा का मस्जिद भी महाराजा ने 500 साल पहले बनाया। ये हमारा सिद्धांत है। ये फाइट अपना बुकुंबारा को अपना अधिकार देने का है। ये फाइट में मैं आगे हूं, ये फाइट में मैं आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन आप किसी और से मत लड़िए। वो लड़ाई में नुकसान उनका भी है, आपका भी है, नुकसान त्रिपुरा का है, नुकसान देश का है। देश को एक होना है, हमको एक होना है, और हमको वो पॉलिटिशियन जो सिर्फ अपने बारे सोचते हैं और अपने जाति के बारे नहीं सोचते हैं, उसको लाइन में लाना है। उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, आज मैंने नहीं बोला है कि मेरी बहन को वोट करो, नहीं करना है मत करो, नोटा देना है नोटा दो, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जब मौका मिलता है तो मौका को पकड़ के अपने अंदर रखो। राइट टाइम राइट डिसीजन।
राइट टाइम राइट डिसीजन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का फाइट आज शुरू हुआ है, कल खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा जब तक मैं अपना बुरा मां को, अपना बुमा को, अपना यूथ को, अपना सेक्लर सिकली को एक आशा नहीं दूं कि आने वाले दिन में हमारा टाइम अच्छा होगा। ये फाइट इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है, ये फाइट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ये फाइट हर महीना है, ये फाइट हर दिन है, ये फाइट अगर आज आपने छोड़ दिया तो आप अपने बच्चे को भविष्य कल कुछ नहीं दे पाओगे। ये लाल झंडा आपको बताता है आज से 50 साल पहले चाइना में क्या हुआ, ये लाल झंडा आपको नहीं बताता है कि आज चाइना में लाल झंडा से ज्यादा बड़ा बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, नौकरी है। ये पुराना चाइना के बारे बात करता है, मैं आपको नया इंडिया देना चाहता हूं जिसमें नया त्रिपुरा भी एक पार्ट हो। यही मैं बोलकर